मैं मुकेश पिछले 5 महीने से एक सामुदायिक पत्रकार के रूप में इंडियन हट के लिए काम कर रहा हूँ। एक स्टोरी को कवर करने के दौरान जब मैं मधुपुर प्रखंड अंतर्गत कुमरेरे गांव पहुंचा तो वहाँ के ग्रामीणों ने अपने गांव के विद्यालय के अनियमितताओं के विषय में बताया। मायना मैं एक दो दिन स्कूल खुलता है और पूरे बात तो बाकी आने की बंद रहता है, इसलिए बच्चा पढ़ नहीं पाता है। सारा बच्चा हमारे गांव का है, सब खेल कूद में लगे हुए रहता है। तो बाकी दिन स्कूल यहां क्या रहता है, बाकी दिन स्कूल का क्या स्थिति रहता है? ऐसे रहता है, कुत्ता पालता है, ऐसे बंद रहता है। ऐसे मास्टरों के ऊपर बहुत सख्त से सख्त मैंने कार्रवाई होना चाहिए, या तो हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे, जानवरों की तरह रह जाएंगे। स्कूल जो खुला है वो बच्चों के लिए खुला है, कुत्तों के लिए नहीं खुला है। और यहाँ पर सीढ़ी नहीं है, बच्चा पेट के बल चढ़ता है। पैर के बल चलना चाहिए लेकिन पेट के बल चढ़ता है। स्कूल में खिड़की नहीं है, जलना नहीं है, हर एक चीज नहीं है। आप देखिए स्कूल का स्थिति कितना खराब है, कि बच्चा कितना गंदा है, कि बच्चा इसमें कैसे बैठ सकता है। अच्छा ये बताइए, जब इस तरह से जब रवैया रहेगा तो हमारे बच्चा किस तरह से पढ़ सकेगा? मैंने गांव वालों को विद्यालय के तमाम अनियमितताओं के खिलाफ एक ज्ञापन तैयार करने को प्रेरित किया, जिसमें तमाम अनियमितताओं को सूचीबद्ध किया गया। 50 से 60 ग्रामीण ने हस्ताक्षर कर मुझे बीओ को सौंपने को कहा। मैंने बीओ को ज्ञापन सौंपने के साथ साथ वहां से लिए वीडियो फुटेज भी दिखाया। ज्ञापन व वीडियो फुटेज देखने के बाद बीओ प्रभावित हुई और स्वयं कुमरगढ़िया उत्क्रमित विद्यालय पहुंचकर मामले की सत्यापित कर पदावस्थित सभी शिक्षकों के मानदेय पर रोक लगा दी, जिससे ग्रामीणों में हर्ष। बीओ आई थी यहाँ पे, जाँच हुआ, जाँच आने के बाद वो मास्टर का पेमेंट रुका हुआ है। कितने मास्टर का पेमेंट रुका है? चार मास्टर है, चारों का रुका हुआ है। विद्यालय जाके निरीक्षण किया, अपूर्ण विद्यालय को पूर्ण करवाया गया और तत्काल उसका मानदेय रोका गया। मुझे अब लगने लगा है जिन उद्देश्यों को लेकर मैं सामुदायिक पत्रकारिता से जुड़ा था उसमें सफलता मिलती दिख रही है। गांव के आम लोग भी आज मीडिया की अहमियत को जानने व समझने लगे हैं और अपनी स्थिति में बदलाव के तत्पर दिखने लगे। इस घटित घटना को एक बदलाव की शुरुआत कही जा सकती है और मुझे आशा है कि भविष्य में मुझे इस कार्य में और सफलता मिलेगी। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट से।